मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों व प्यारे बच्चों, मैं पवन कुमार राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल जल्लोपुर से, जो रतिया ब्लॉक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा स्टेट में स्थित है। आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड क्लास की माई बुक ऑफ लेसन नंबर 2, अरुण्स फैमिली। अरुण्स की क्या है? फैमिली। जो फैमिली में प्यारे बच्चों कौन कौन होते हैं? मम्मी पापा, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ठीक है, और ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्री रीडिंग दी है, लेसन को रीडिंग करने से पहले का क्या हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो हमें इस पिक्चर के थ्रू बताया गया। ये जो पिक्चर दिखा रखी है प्यारे बच्चों, इसमें देखें कि हमें ये कुछ बताना चाह रहे हैं, इस लेसन के बारे में कुछ समझाना चाह रहे हैं, जिसकी हमें लेसन पढ़ने से पहले हमें पता होना। जो बॉय है इसका नाम है मिस्टर अरुण, और इसी की ही फैमिली की बात हम इस लेसन में पढ़ेंगे ना? तो हमारी अरुण की फैमिली में कौन है? ये जो गर्ल है ये क्या होगी? ये इसकी सिस्टर। और ये जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं बड़े मुच्छों वाले, ये कौन है इसके? ये है ग्रैंड फादर, दादाजी। और क्या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, सुबह सुबह पढ़ते हैं, हाँ, साथ में ये है, ये इनकी ग्रैंड मदर, दादी जी। और जो अरुण की सिस्टर है ये अपनी दादी जी को कुछ मिठाइयां ट्रे में रखे, मिठाई प्लेट में रखे मिठाई दे रही है। और जो है अरुण ग्रैंड फादर जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें झांक रहा है, उसमें देख रहा है पीछे से। ये फादर अपने हाथ में थैला ले रखा है इन्होंने, और इसमें वेजिटेबल्स है ना, ये लेके आ रहे हैं मार्केट से या शॉप, जो नियर डियर वेजिटेबल शॉप है वहां से सब्जियां, जो वेजिटेबल्स है ये लेके आ रहे हैं। और जो मदर है, मम्मी, वो क्या कर रहे हैं? वो कपड़ों को सुखा रहे हैं। और ये सारी एक्टिविटी, ये इनका देखो रूम है पीछे, और ये इनका मेन गेट है, आगे ट्री है पिक्चर में दिख रहा। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही हमारी फैमिली है। हमारी फैमिली में मदर, फादर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, सिस्टर है ना, अंकल, आंटी, तो ये भी हमारी एक फैमिली है। तो अब अरुण की फैमिली के बारे में स्टार्ट हो रही है रीडिंग। अब हम लेसन को रीड करेंगे और उसकी मीनिंग्स को समझेंगे, क्या उसका मीनिंग है, ठीक है। तो इस पिक्चर में ये मिस्टर अरुण आए हुए हैं, ये हमें कुछ इशारा कर रहे हैं अपनी फिंगर से, ये झोपड़ियां दिख रही है, तो लोग आ जा रहे हैं। आई एम अरुण, आई मीन्स मैं, एम हूं अरुण, मैं हूं अरुण। आई एम 8 years old, आई मीन्स मैं, एम यानी हूं, 8 years साल का बड़ा हो गया हूं मैं 8 साल का हो गया हूं। आई स्टडी इन क्लास 3rd, आई मैं स्टडी पढ़ता हूं इन में क्लास 3rd, मैं तीसरी क्लास में पढ़ता हूं। आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इन ए टाउन, आई मैं लिव रहता हूं साथ में, विद मीन साथ में, माई मेरे पेरेंट्स मम्मी पापा एंड और ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी इन में ए टाउन, एक कस्बे में, गांव से जो छोड़ा थोड़ा बड़ा एक छोटा शहर होता है उसको टाउन बोला जाता है प्यारे बच्चों। तो वो टाउन में रहता है अपने मम्मी पापा और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, कौन? मिस्टर अरुण। नेक्स्ट लाइन, द नेम ऑफ माई टाउन इज सोना, जो नेम है, नाम है, ऑफ मीन्स का, माई टाउन मेरे कस्बे का, इज है सोना, जो सोना मेरे जो टाउन है कस्बे का नाम क्या है? सोना। अरुण और उसकी सिस्टर, स्कूल बैग है, और किधर जा रहे हैं? एरो का मार्क है, ये किधर शो कर रहा है? SCHOOH स्कूल, उधर क्या है? स्कूल है, कहाँ है? ये रही, ये जो बिल्डिंग है ये स्कूल की है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहना, ये जो स्कूल दिख रहा है इसके ऊपर इसका नाम भी लिखा हुआ है। आप पढ़ते हैं, कितने खुश है, कितनी स्माइल के साथ दोनों स्कूल जाते हैं, आप भी इतनी स्माइल के साथ आते हैं ना स्कूल में, हाँ इतना ही मजा आता है। आई हैव ए सिस्टर, मेरे क्या है, एक बहन है, सिस्टर कौन होती है? बहन। हर नेम इज कविता,
उसका नाम है कविता। कौन है सिस्टर? आज सिस्टर का नाम भी पता चल गया ना हमें, सिस्टर का नाम है अरुण की सिस्टर का नाम कविता। सी इज 9 years old, वह है 9 साल बड़ी। कितनी बड़ी है वो? 9 साल। सी इज इन क्लास 4, वो सी वह है में कौन सी क्लास में? क्लास 4 में, वो क्लास 4 में पढ़ती है। वी स्टडी इन द सेम स्कूल, हम पढ़ते हैं में इसमें सेम, मतलब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं दोनों ब्रदर सिस्टर अरुण और कविता, एक स्कूल में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद द नेम ऑफ आवर स्कूल इज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहना। अब जो स्कूल का नाम बताया है, नेम क्या? नाम ऑफ का आवर स्कूल, हमारे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ये उस जगह का नाम है सोहना जहां वो स्थित है। तो जो नेक्स्ट पिक्चर अगले पेज पे है, इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहे कि एक आदमी है वो कुछ काट रहा है, हाथ में दरांती ले रखी है उन्होंने, और जो फसल हमें दिख रही है पीछे बादल है, क्लाउड्स है, ट्री है और वॉटर है ना, और ऐसे ग्रीनरी, जो ग्रीन ग्रीन जो फसल है वो हमें पीछे दिख रही है। अब हम पढ़ते हैं, माई फादर इज ए फार्मर, मेरे पिता हैं एक किसान। मेरे पिता क्या है? कि किसान है, एक फार्मर है, जो फार्म जो खेत में काम करते हैं। ही वर्क्स इन द फील्ड, फील्ड मतलब ही का मींस वह वर्क्स काम करते हैं, इन में द फील्ड मतलब खेत में, वो खेत में काम करते हैं, और जो खेत में काम करता है वो कौन होता है? फार्मर, किसान होता प्यारे बच्चों वो। ही ग्रोज वीट एंड वेजिटेबल्स, वह उगाते हैं क्या? वीट गेहूं एंड और वेजिटेबल्स क्या होती है? सब्जियां, वो गेहूं और सब्जियों को उगाते हैं खेतों में। ही वर्क्स वेरी हार्ड मींस, ही मींस वह वर्क्स काम करते हैं, वेरी मतलब बहुत हार्ड मेहनती, वो कठिन परिश्रम करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं खेत में। जो नेक्स्ट पिक्चर है इसमें क्या दिख रहा है? एक लेडी बैठी है, उसके आसपास बच्चे बैठे हैं। हमारे बच्चे क्या है? तो अरुण है और उसकी सिस्टर है कविता, और मे भी ये पक्का इनकी क्या होगी? यस, ये इनकी मदर होगी, ये इनकी मम्मी होगी, और क्या कर रही है? इनको पढ़ा रही है ना किताबों से। इनके दो फ्रेंड और बैठे हैं साथ में, तो चलो पढ़ते हैं, देखते हैं कौन है ये। माई मदर इज ए टीचर, मेरी मम्मी है एक अध्यापिका। मम्मी क्या है? टीचर, अध्यापिका है। ओह यस, सी टीच स्मॉल चिल्ड्रन इन ए विलेज, सी मींस वह टीच पढ़ाती है स्मॉल छोटे चिल्ड्रन बच्चों को इन ए विलेज गांव में, वो गांव में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है। ये एक मकान है, घर दिखाई दे रहा है, देखते हैं किसका है, इतना सुंदर साफ सुथरा नीट एंड क्लीन घर। चलो पढ़ते हैं अब इसके बारे में। आवर हाउस इज ऑलवेज नीट एंड क्लीन, आर हमारा हाउस घर है, इज है ऑलवेज हमेशा, नीट साफ एंड क्लीन साफ सुथरा है हमारा घर, हमेशा ही रहता है नीट एंड क्लीन बिल्कुल। My father helps my mother in her work. My father, मेरे पापा जो मेरे पिताजी हैं, help मदद करते हैं। My mother, मेरी मम्मी की in मतलब means में her work, उनके काम में मेरे पापा मदद करते हैं हमेशा, इसलिए हमारा घर जो है house जो है always neat and clean रहता है। After doing our homework, कविता एंड आई प्ले आउटसाइड आवर हाउस विद आवर फ्रेंड्स। आफ्टर मींस बाद में, डूइंग मतलब करने के बाद, आवर होमवर्क हमारा होमवर्क जो काम टीचर स्कूल से घर पे करने के लिए देते हैं, उस होमवर्क को करने के बाद कविता एंड आई, कविता एंड आई, कविता अनुज की
सिस्टर है, तो वो कह रहा है कि मैं आओ कविता अपना होमवर्क करने के बाद प्ले आउटसाइड आवर हाउस, आवर हाउस मीन हमारे घर, आउटसाइड आउटसाइड मीन बाहर, अपने घर के बाहर की तरफ हम खेलते हैं विद मतलब साथ में, आवर फ्रेंड्स और हमारे फ्रेंड्स दोस्तों के साथ अपना होमवर्क करने के बाद हम खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ, वी लव आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, वी मीन्स हम लव मीन्स प्यार करते हैं पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा एंड और ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, हम अपने दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स मम्मी पापा को लव करते हैं प्यार करते हैं, कौन अरुण और कविता दोनों ब्रदर सिस्टर। प्यारे बच्चों ये हमारा लेसन अरुण फैमिली, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, ऐसे ही नेक्स्ट अगले लेसन को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज में कैसे हम आपके वर्ड्स में चीजों को समझते हैं। धन्यवाद।